4, 3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। मतलब अब हमारे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अब हमारे को साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो ये चीज हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कोई भी एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं और इसको भी एक अलग फंक्शन सपोज कर लेते हैं। तो हमारे को इसको अगर हम फॉर एग्जांपल u ले लेते हैं, अगर हम u ले लेते हैं तो हमारा फंक्शन जो u हो जाएगा वो तो हो जाएगा x sin inverse x, और जो मेरा दूसरा फंक्शन है sin inverse x उसको मैं कुछ भी से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ v, तो ये जो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा sin inverse x। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x अलग अलग। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये हम जानते हैं इस तरीके के डिफरेंशिएशन हमारे को लॉग लेके करने होते हैं। तो अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड्स तो ये हो जाएगा हमारा लॉग u इज इक्वल टू, ये चिड़िया जो है साइन इनवर्स वाली ये आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा मेरा लॉग x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन u और u का हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और लॉग x, इनको मैं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन इनवर्स x तो ऐसे कैसे आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स x लॉग x हो जाएगा मेरा 1 अपॉन x। मैं जानता हूँ log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x होता है, प्लस log x हमारा ऐसे कैसे, हमारा log x जो आएगा वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा sin inverse x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 1 upon under root 1 minus x square। मैं जानता हूँ हमने प्रोडक्ट रूल लगा के इसका ये डिफरेंशिएशन ऐसे कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इस वाले नंबर का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा dv upon dx is equals to 1 upon under root 1 minus x square। मैं जानता हूं sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus x square होता है। अब जो मेरा du by dx था ये तो हो जाएगा, इस u को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं और u की वैल्यू है मेरी x sin inverse x और ये वाली जो अंदर वाली टर्म्स है मेरी ऐसे कैसे sin inverse x upon x plus log x upon under root of 1 minus x square। अगर मैं du by dx जो मेरी इक्वेशन है इसको dv by dx से डिवाइड कर दूं तो देखिए क्या आएगा, अगर मैं मेरी ये वाली इक्वेशन फॉर एग्जांपल 1 ले लूं और इस इक्वेशन को 2 ले लूं तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो इधर LHS में तो क्या जाएगा मेरा du upon dx डिवाइडेड बाय dv upon dx इज इक्वल्स टू जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन का ऊपर वाला पार्ट था ये तो था मेरा x sin inverse x multiplied by sin inverse x upon x plus log x upon under root of 1 minus x square। तो इस तरीके से मेरा ये आ जाएगा। अब इसमें मैं whole divide करूंगा किसका, मेरे इस वाले फंक्शन का, तो मेरा जो ये वाला फंक्शन आ जाएगा 1 upon under root 1 minus x square। अब हम जानते हैं कि इसमें जो dx है dx तो dx समझते हो जाएगा और ये चीज क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जो रह जाएगा मेरा रह जाएगा du by dv जो रह जाएगा ये रह जाएगा x sin inverse x into 1 minus x square under root में और अंदर वाली वैल्यू मेरी ऐसे कैसे sin inverse x upon x plus log x upon under root of 1 minus x square। तो यही मेरा आंसर है, क्यों, क्योंकि मेरा जो v माना था मैंने वो ये माना था u और v माना था मैंने ये, तो यानी u का डिफरेंशिएशन किया मैंने v के रिस्पेक्ट में, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने इसके रिस्पेक्ट में, तो यही मेरा आंसर है। तो कोई भी अगर दो फंक्शंस हो और आपको निकालने के लिए बोला हो तो हम इसी तरीके से निकालते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको क्लियर है, फिर भी आपको कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।